जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गॉड हेल्थ एंड ब्यूटी में। तो दोस्तों, हिंदू पांचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रामा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। रामा एकादशी को सबसे शुभ और महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे रामा एकादशी व्रत तिथि, इसका शुभ मुहूर्त, पारण का सही समय, महत्व व पूजन विधि। साथ ही हम जानेंगे कि दिवाली से पहले रामा एकादशी व्रत पर हमें क्या उपाय करने चाहिए, जिसके करने से पैसों की तंगी से छुटकारा मिल सकता है। परंतु उससे पहले, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, रामा एकादशी को कृष्ण एकादशी या रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, और यह एकादशी दिवाली के 4 दिन पहले आती है। रामा एकादशी व्रत को सबसे महत्वपूर्ण एकादशी में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि रामा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या सहित अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति रामा एकादशी के दिन रामा एकादशी की व्रत कथा पढ़ता है या सुनता है, उसके भी पाप मिट जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं रामा एकादशी 2022 तिथि व शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत इस साल 20 अक्टूबर को शाम 4:04 से हो रही, वहीं ये तिथि अगले दिन 21 अक्टूबर को शाम 5:22 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार रामा एकादशी का व्रत 21 अक्टूबर को रखा जाएगा। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार रामा एकादशी के दिन प्रातः काल से ही शुक्ल योग है, जो कि शाम 5:48 तक रहेगा। उसके बाद से ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा रामा एकादशी व्रत की पूजा करने का श्रेष्ठ मुहूर्त सुबह 7:50 से सुबह के 9:15 तक है। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं रामा एकादशी 2022 पारण समय। जो लोग 21 अक्टूबर को रामा एकादशी का व्रत रखेंगे, वे व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 22 अक्टूबर शनिवार को प्रातःकाल 6:26 से कर सकते हैं। पारण समाप्ति का समय उस दिन 8:42 पर है, इसके बीच ही पारण कर लेना चाहिए। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम को 6:02 पर है। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं रामा एकादशी व्रत का महत्व। जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कार्तिक कृष्ण एकादशी व्रत के महत्व को बताने को कहा, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस व्रत को रामा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी इस व्रत को करता है, उसके पाप मिट जाएंगे और वे मृत्यु के बाद श्री हरि के लोक में स्थान पाता है। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं रामा एकादशी व्रत पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक कराएं, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें, अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें, भगवान विष्णु जी की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि भगवान जी को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा मान्यता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं रामा एकादशी पे करे जाने वाले उपाय। अगर धन की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो रामा एकादशी के दिन 11 कोड़ियों को लेकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें, इसके साथ ही विधिवत पूजा करें। द्वादशी के दिन इन कोड़ियों को एक पीले रंग के साफ कपड़े में बांधकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। यदि सुखी वैवाहिक जीवन चाहते हैं तो ये काम करें। इस दिन रामा एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर
साफ सुथरे कपड़े पहने और उसके बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। व्यापार में बढ़ोतरी के लिए यही उपाय करें। अगर व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है तो रामा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। पूजा के समय 1 रुपये का सिक्का भी अर्पित करें। इसकी रोली, फूल, अक्षत आदि से पूजा करें। इसके बाद इस सिक्के को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर ऑफिस में किसी एक जगह पर रख दें। यदि लगातार कोशिश करने के बावजूद भी नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो रामा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पीले रंग के कपड़े चढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी है और मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।